जानकारी। मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के परमहंस वार्ड के सैकड़े लोगों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। दरअसल इस वार्ड वासियों को अवैध इस वार्ड के कॉलोनी को अवैध करार दिया गया है, जिसके बाद से वार्ड वासियों ने नाराज होकर ये फैसला लिया है और इनकी मांग है कि जब तक उचित समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा तब तक चुनाव बहिष्कार का निर्णय का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। मुंगेली के परमहंस वार्ड के सैकड़ों परिवार ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से नगरीय एवं जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नगरीय प्रशासन द्वारा परमहंस वार्ड के सचिवपुरम कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि प्लाटिंग के वक्त टाउन एंड कंट्री नियमों की अवहेलना कॉलोनाइजरों के द्वारा किया गया है। यही वजह है कि 10 सालों से यहां के निवास और लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्थिति यह है कि सड़क नाली व पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहल्लेवासी तरस रहे, लेकिन इन 10 सालों में नेताओं के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। यही वजह कि अब उन्हें चुनाव बहिष्कार जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। इन्हीं तमाम कारणों का जिक्र करते हुए मोहल्लेवासियों ने चुनाव बहिष्कार का बैनर टांग दिया है, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई राजनीतिक पार्टी के नेता या कार्यकर्ता वोट मांगने इस कॉलोनी में ना आए। वार्ड वासियों के अनुसार पिछले 10 सालों से यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके चलते आज आखिर ये फैसला लेना पड़ा कि नगरीय निकाय चुनाव में यहां के वार्ड वासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर बाकायदा यहां बैनर पोस्टर भी टांग दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के अधिकारी यहां के नाराज मतदाताओं को कैसे रिझा पाते हैं। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप।